Hello friend, today we learn about how we can set up DT Lite OTT movie TV series channel platform in Android apps using Laravel admin panel. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे documentation दिया गया है. आप check कर सकते हो यहाँ documentation में उसके regarding कौन कौन से यहाँ पे हमें कैसे सेटअप करते हैं वो सब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में डाला हुआ है. तो यहाँ पे दो फोल्डर है, एप्स कोड और एक सर्वर कोड. तो हम पहले हमारा जो लारावेल से जो सर्वर का सेटअप है वो हम यहाँ से करेंगे सेटअप. तो फर्स्ट थिंग हमें होस्टिंगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सर सी पैनल वाला सर्वर यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं पहले सब डोमेन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ST Live. ओके, तो यहाँ पे मैं न्यू सब डोमेन क्रिएट कर रहा, इसे ओपन कर लेते हैं. तो सेकंड थिंग्स हमें यहाँ पे जो हमारा उसमें लारावेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो हम लारावेल सब डोमेन में हम हमारा लारावेल को इंस्टॉल करेंगे. तो इसे ओपन कर लेते हैं. इंस्टॉल हो जाने के बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा लारावेल सब डोमेन में इंस्टॉल हो चुका है. तो सेकंड थिंग्स हमें यहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा. तो डेटाबेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे DT Drive क्रिएट. ओके, तो ये भी डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया. ओके, इसके बाद हमें जो हमारा फाइल है फाइल सर्वर, इसमें अपलोड करना पड़ेगा जो हमारा सर्वर कोड है, जो सर्वर कोड का फोल्डर है इसे अपलोड करना पड़ेगा. इसमें करेंगे हम जो हमारा सब डोमेन है DT Live में. तो ये वाला जो आप देख रहे हो वो हमारा इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट लारावेल का सेटअप है, उसकी फाइल है. तो हम यहाँ पे सर्वर कोड को उसमें ये जिप वाली फाइल इसे ड्रैग करके यहाँ से इंस्टॉल अपलोड कर देते हैं. ओके, तो एक बार अपलोड हो जाने के बाद आप ओके, ये अपलोड हो चुकी. अपलोड हो जाने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा CD. ओके, तो एक्सट्रैक्ट, तो CD में क्रिएट हो चुका होगा फोल्डर, न्यू फोल्डर CD. ओके, CD में आपको ये इसमें चले जाना है, सभी फाइलों को सिलेक्ट करना है और मूव करके जो CD है, ओके, CD इसमें डालना है सभी को. ओके, इस फाइल को हमें कोई जरूरत नहीं है. ओके, तो ये वाली और ये वाली, तो इसे डिलीट कर देते हैं हम. डिलीट, तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा PHP सर्वर, PHP कॉन्फिग में चले जाएंगे. यहाँ पे मैं 8.1 वाला PHP वर्जन यूज कर रहा हूँ. 8.1 एक्सटेंशन आप एक बार चेक कर लेना कि सभी एक्सटेंशन प्रॉपरली अनेबल है कि नहीं है, और जो रिक्वायरमेंट रहेगी सर्वर में जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी वो सभी अनेबल होनी चाहिए प्रॉपर वर्क के लिए. तो मेक श्योर के सभी अनेबल रहे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलाउस हमारा है URL ओपन. ओके, तो ये सभी वाले आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, URL एफ ओपन, ओके, इंक्लूड और सभी तरह के यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे में अनेबल ही है. तो आप एक बार देख लेना कि आपके सर्वर में अनेबल है कि नहीं है. अगर नहीं है तो आप अनेबल कर दीजिए. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट लाइक है, यहाँ पे अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा इतनी रहेगी. ओके, तो अब हम
ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो फाइल अपलोड हुई है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। जो हमारा यूआरएल है उसमें प्लस सीडी, तो यहाँ पे सीडी में नहीं है तो प्लस env चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है, तो हमारा जो भी हमारा डेटाबेस हमने ओपन करना पड़ेगा। जो हमने न्यू डेटाबेस क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, नेम को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक बार। कॉपी जो फाइल है यहाँ पे यूजर नेम्स और डेटाबेस नेम दोनों हमारे सेम ही है और पासवर्ड। ओके यहाँ पे डेमो @123। ओके और यहाँ पे हमें यूआरएल भी चेंज कर एप्स यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को और यहाँ से एप यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो इसे सीडी प्लस पब्लिक एंटर। तो ये कुछ एरर शो कर रहा है एसक्यूएल सिलेक्ट सेटिंग्स। ओके तो इसे पहले सॉल्व करते हैं हम। ये लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले ये हमारे पास दो डेमो वाला है और एक एम्प्टी वाला है। तो अभी फिलहाल मैं डेमो वाला यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ डेटा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए इसीलिए। तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं अपलोड हो जाने के बाद। तो ये देखिए आज सभी टेबल्स आ चुके हैं हमारे में। तो इसे एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके तो गुड, ये सक्सेसफुली हमारा जो होम पे एडमिन पैनल है वो आ गया है बाय डिफॉल्ट। तो इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अंदर। ओके एडमिन पैनल, बट यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इमेजेस अभी फिलहाल इसमें शो नहीं हो रही है। ओके इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे चेक करते हैं कि सभी तरह के फीचर्स इसमें डाले हुए हैं। सब्सक्रिप्शन है, जो टीवी शोज है, वीडियोस यहाँ पे रेंट वीडियोस या इसमें प्राइस डाली हुई है। तो यहाँ पे सभी तरह के फीचर्स इसमें दिए गए हुए हैं। तो डैशबोर्ड में ओके तो एक बार मैनुअल में चेक करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारा जो मेन लारावेल का एडमिन पैनल था तो वो तो सक्सेसफुली हो चुका है क्रिएट। तो यहाँ से हम चैनल, तो किसी में इमेज नहीं आ रही है तो ये एडमिन पैनल ही है। ओके बेसिक पेज ओके। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेटिंग्स में ही कुछ होगा। सेटिंग्स में तो ये देख सकते हो कि आप एपीआई का यहाँ पे एप्स कॉन्फ़िगर इसे कॉपी कर लेना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो लॉगआउट कर लेते हैं इसे। तो ओके तो अब हमारा ये जो बेसिकली ये पैनल था वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे इंस्टॉल मैंने बाय कर दिया है।
ओपन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, और जो फाइल हमें सेकंड फाइल एप्स कोड करके हमें सेकंड फोल्डर था वो इसका इस्तेमाल करेंगे हम अब एप्स अपने एंड्रॉयड एप्स क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा। ओके तो यहाँ से मैं ओपन करके तो एप्स कोड में यहाँ पे जिप फाइल हमें दी हुई है तो इसे अनजिप करनी पड़ेगी। तो आपको ये फोल्ड वाला ऐसे ग्रीन कलर का फोल्डर मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद, तो इसे ओपन कर लीजिए ट्रस्टेड। ओके तो ये प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगेगा, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा इसमें अपने, और कुछ एरर भी आपको शो होगी। बेसिकली मोस्ट केस में बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो आपको मे बी सेम ही एरर शो होगी। तो यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सभी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एच डी के मैनेजर है, एच डी के टूल्स है, प्लेटफॉर्म टूल्स है, इसके बिल्ट टूल, गूगल पे सर्विस, एंड्रॉइड सपोर्टिंग लाइब्रेरीज, रिपोजिटरी, यूएसबी ड्राइव, ये सब में अनेबल होना चाहते हो सेट। यहाँ से आप एच डी के मैनेजर टूल्स में एच डी के मैनेजर में जाके एच डी के एंड्रॉयड एच डी के यहाँ पे एच डी के प्लेटफॉर्म, एच डी के टूल्स और एच डी के अपडेट साइड यहाँ पे दिए गए हुए हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सभी अनेबल कर दीजिए। यहाँ पे मेरे बाय डिफॉल्ट आप देख ही रहे हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अनेबल कर देना, अगर कुछ मिसिंग रहेगा तो अनेबल कर दीजिएगा। ओके तो बेसिकली ये सभी फाइलें ये एंड्रॉइड रिपोजिटरी है, ये सभी फाइलें हमें चेक करनी पड़ेगी अनेबल है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मैन्यूअल में जाके कि हम नेम चेंज कर सकते हैं, जो हमारा जो लोगो है, जो पैकेज नेम है वो कैसे चेंज करते हैं, कलर जैसे कैसे चेंज करना है, तो ये सभी के वीडियोस यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में चले जाना तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, आपका लोगो कैसे चेंज करना है तो वो यहाँ से आपको पता ही है। तो यहाँ से रिसोर्सेज में यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, जो आपका फर्स्ट फ्लैशिंग लोगो होगा वो कैसे होगा, तो ये सब यहाँ से चेंज कर देना। तो चेंज एपीआई लिंक, तो एपीआई लिंक कैसे चेंज करनी है। ओके तो आप देख सकते हो ये हमारी एपीआई मैंने कॉपी करके ही रखी है, तो ये कैसे करनी है तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जावा स्क्रिप्ट में जो भी आपका रहेगा यूटिलिटी उसमें चले जाना है। ओके तो अभी फिलहाल मेरा प्रोसेस हो रहा है,
वो एक बार प्रोसेस हो जाने के बाद हम उसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेरा SDK का है तो आपको लिंक कर देना है कि SDK मेरा इस ड्राइव में है कि नहीं है। ओके, क्योंकि क्या है कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाने के बाद वो प्रॉपर नेम को मिसमैच करेगा, तो अपना जो भी अकाउंट विंडोज़ का यूज़र नेम रहेगा उसके बाय डिफॉल्ट लेना ना सेट कर देना। अगर ऐसी इनवैलिड VCS की कोई एरर आती है तो इस फाइल में चले जाना है, तो एप्स कोड में टेस्टर की, उसमें VCL वाली फाइल को आपको डिलीट करना है, ओनली फॉर, बस इतना ही करना है, डिलीट कर देना इस फाइल को। तो और डिलीट हो जाने के बाद आपको ये जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो प्रोजेक्ट को क्लोज करना है और फिर से ओपन करना है। तो ओपन करें तो ये सारी एरर चली जाएंगी और आपको अपनी सभी फाइलें एंड्रॉयड स्टूडियो वाली आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये हमें पहले जो हमारा ओके, यहाँ पे सभी हो गई है। तो क्या करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में एप्स उसमें जावा, तो पहले तो मैं यहाँ से ट्री, जो ऑलवेज वाला नहीं होगा, ट्री वाला होगा, ट्री ओके। मुझे अभी फिलहाल नेम चेंज नहीं करना है, इसीलिए मैं यहाँ से ओके यूटिलिटी ओके यूटिलिटी यूटिलिटी में नहीं जाना था, यहाँ पे था, नहीं यहाँ पे नहीं था, मेबी वो बेस URL कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे नहीं है, ओके यहाँ पे था, ओके यहाँ पे था कॉन्स्टेंट में। तो बेस URL, तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट बेस URL रहेगा ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डालना है। तो हमने कॉपी किया ही था, तो फिर से अगर आपका कॉपी नहीं किया तो फिर से एडमिन पैनल में चले जाना, वहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग में आपको एप्स कॉन्फ़िगरेशन में API वाले में आपको मिल जाएगा ओके। तो ये मेरा ओके सब डोमेन CD पब्लिक प्लस API ओके। तो ये हमारा बेस URL क्रिएट हो गया ओके, लिंक हो चुका। तो इसे एक बार लिंक हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एड बेसिक कंटेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, कैसे डालना है इसके लिए भी वीडियो डाल है ही। अगर कुछ इस तरह की एरर आती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हो, तो आपको रिजॉल्व मिल जाएगा ओके। तो मैं यहाँ से मेरा जो प्ले बटन है मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें। तो एक बार मोबाइल को क्लियर करने के लिए ओके। तो यहाँ पर मोबाइल मैंने कनेक्ट कर दिया है और प्ले किया, तो ये कुछ एरर शो हो रहा है मेरे को कि यहाँ पे जो हमारा API है वहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है ओके। तो मैं पहले अपने एडमिन पैनल यहाँ पे चेक करता हूँ एडमिन पैनल में,
कनेक्शन सेकंड, ओके यहाँ से व्हाट, ओके ये वाला था बाय डिफॉल्ट पब्लिक प्लेस इमेजेस, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ इतना सा ही चेंज करूँगा जो कि मैं पहले अभी निकाल दिए थे। ओके पब्लिक भी यहाँ पे सीडी प्लेस पब्लिक प्लेस इमेजेस, तो ओके तो ये इमेजेस और को की तरफ भी है एडिट करने वाला, कर लेते हैं एक बार ये सब की कॉन्फ़िगरेशन। ओके लास्ट वाला है इमेजेस, तो यहाँ पे भी यूआरएल को हमें एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पब्लिक प्लेस पब्लिक ओके प्लेस इमेजेस, ओके इसे सेव कर लेते हैं, ये सब भी हो गया है। ओके बाय डिफॉल्ट है MySQL, ओके सेव, ओके एक बार ओके यहाँ से मेरा एक्सपायर हो गया लगता है पेज, तो एक बार क्लोज करके फिर से करना पड़ेगा मेरे को। ओके फाइल में मैनेजर, PD में चले जाता हूँ, यहाँ पे डॉट यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा मेरे को, जो यहाँ पे चेंज करके URL को। ओके पब्लिक प्लेस इमेजेस रखना, चेंज मत करना, तो आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। ओके तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है उसी प्रकार से, ओके यहाँ पे पब्लिक के बाद भी हमें लिखना था, कोई बात नहीं अभी अभी फिलहाल चल जाएगा। इमेजेस लिख देते तो अच्छा रहेगा बट चलता है अभी फिलहाल, मुझे इमेज की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं खाली जस्ट चेक कर लेता हूँ कि इनसाइड कैटेगरी में ओके इमेजेस सभी है प्रॉपरली। तो फिर से एक बार लॉगिन कर लेते हैं एडमिन पैनल में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेजेस आ चुकी है, सभी इमेजेस आ चुकी है मोस्टली। तो यहाँ पे फिर जो एरर थी वह ये जो लास्ट में स्लैश लिखना हमारा रह गया था, तो वहाँ पे स्लैश लिखना पड़ेगा हमें। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैश कर रहा है API, लास्ट में स्लैश आएगा तो प्लेस, और इसे रन कर लेते हैं एप्स को। तो एक बार रन हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे या प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो नेक्स्ट 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 ओके ओके ये हमारा सक्सेसफुली फेच हो रहा है डेटा, जो हमारा लारावेल का एडमिन पैनल था इससे ये एप्स फेच कर रहा है डेटा सभी। ओके ये अभी शो हो रहा है प्रॉपर ओके यहाँ पे प्ले बटन करके देख लेते हैं सेटिंग्स। ओके और इसे अलाउ कर देते हैं बैक, ओके यहाँ से सम चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो पहले नारिदोस में एडिट, यहाँ पे मे बी लिंक हमारे जो था वो एक्सपायर्ड था बाय डिफॉल्ट,
इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सर्वर यहाँ से मैंने लिंक को चेंज कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये प्ले हो रहा है वीडियो। तो इसी तरह से सभी चेक कर लेते हैं कि सभी फंक्शन प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं है। हाँ, डेफिनेटली सर्च एक बार चेक कर लेते हैं कि सर्च बार भी वर्क हो रहा है कि नहीं। ओके, तो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।